हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा आज दे दिया है। सबसे पहले तो क्या कुछ कारण रहे इस्तीफे के? कारण मैंने सारे लिख दिए हैं, 4 पेज की चिट्ठी है, एक प्रेम पत्र है उन लोगों के लिए भी जिन्होंने कांग्रेस को ख़त्म कर दिया है, और उन लोगों के लिए भी जिनको कांग्रेस ख़त्म करने में लगी है। राहुल जी के साथी सहयोगी जो हजारों में संख्या में हैं, कुछ दिखते हैं कुछ पीछे हैं, उनको जो मारने की कोशिश है उसी के खिलाफ ही हमारी लड़ाई है। और मैं समझता हूँ कि ये हमें सिखाया है हमारे पुरखों ने कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला बड़ा गुनाहगार होता है, तो इतिहास में हम गुनाहगार नहीं बन सकते हैं, इसलिए ये इस जंग के मैदान में लड़ाई के लिए हम सब तैयार हैं। आप जब राहुल गांधी अध्यक्ष थे तब आप प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उसके बाद आपको हटा दिया गया। आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी के जो टीम है उसकी राजनीतिक हत्याएं जो हैं करी जा रही हैं और आने वाले समय में की जाएंगी। आखिर कौन वो लोग हैं जो राजनीतिक हत्याएं करते हुए नजर आ रहे हैं? ये तो आपको भी पता है, आप क्यों नहीं बोलते उनके खिलाफ? सबको पता है कौन हत्यारे हैं, कौन प्रोफेशनल किलर हैं राजनीति में, कौन सुपारी लेते हैं, कौन उनके शार्प शूटर हैं, ये सबको पता है। उनको पकड़ो और पार्टी से बाहर करो। ये सैनिटाइज करने की ज़रूरत है कांग्रेस को, और जब तक कांग्रेस सैनिटाइज नहीं होगी, सफाई नहीं होगी, तब तक इसी तरीके से निर्दोष मेहनती सच्चे ईमानदार लोग मरते रहेंगे, और जो दूसरी ताकतें हैं जो नेक्सस बना करके अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं वो हावी रहेगी। इस्तीफा आपका पढ़ रहे थे, आपने इस्तीफे में महासचिवों पर आरोप लगाए हैं, एक वर्ड लिखा है कि डर्टी गेम वो है वो प्ले कर रहे थे। आखिर क्या डर्टी गेम वो प्ले कर रहे थे, और इसी डर्टी गेम के तहत जो आपको प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया? ये डर्टी गेम ही तो है। 4 साल में 2 महासचिव केवल 2 बार हरियाणा में आए, और वो हजारों लोगों के भविष्य का निर्धारण कर दें यहीं बैठ करके, क्योंकि दोस्ती है मेरी कातिल से दोस्ती है, इसलिए ऐसा नहीं चलने वाला है, और ऐसा चलेगा तो इसी तरीके से फिर युद्ध होगा, हरियाणा के अंदर होगा, देश के अंदर होगा, सब दिशाओं में होगा। जिनको ये नहीं पता भूगोल क्या है, इतिहास क्या है, समाजशास्त्र क्या है, हरियाणा का राजनीति क्या है, वो हरियाणा के फैसले ले रहे हैं। लेकिन तंवर साहब, आरोप अब ये लगेंगे कि जब तक प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी थी तब तक तो कांग्रेस के साथ थे, लेकिन जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी गई आपने कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। आरोप कौन, लाभी लोभी लालची भ्रष्ट लोग मेरे ऊपर लगाएंगे? एक फौजी किसान के बेटे के ऊपर लगाएंगे? कुर्सी तो हमने पहले भी बहुत बार कहा लीडरशिप को कि दे दो इनको, इनकी भूख राजनीतिक भूख बहुत है, भूखे लोगों को दे दो, ले लो मेरे से। हमने तो बहुत पहले इस्तीफे दिए हैं, इस्तीफे की पेशकश करी। पद मैं तो साधारण परिवार से हूँ, मैं तो कोई राजनीतिक घराने से नहीं हूँ कि पद मैं लेके आया, मेरा बाप लेके आया हो। पद वद की चिंता नहीं है यहाँ पर, यहाँ जो कद छोटा करने की कोशिश चल रही है ना मारने की, मुझे भी और हमारे साथियों को और अनेकों अनगिनत साथियों को, ये उसके खिलाफ लड़ाई है, ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, और अन्याय के खिलाफ जो सच्चाई की लड़ाई है उसमें अंत में जीत सच्चाई की होगी। और ये जो लोग घूम रहे हैं ना, जो कहते थे हम बहुत बड़े हैं, 19 दिन बाद पता चल जाएगा इनके दाने कितने हैं। 12 बीघे में इनके दाने नहीं मिलेंगे, साफ मामला। इनकी गर्दन की रोड और इनकी मरोड़ दोनों निकलेंगे। इस्तीफे से पहले क्या किसी तरीके की मुलाकात या फिर बातचीत करने की कोशिश की गई आला कमान से, या फिर किसी तरीके का संपर्क हुआ आपका? ये सब चीज़ें चलती रहती है, चलती रहती है। लेकिन आपकी जो धर्मपत्नी है अवंतिका तंवर, वो ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी से मुलाकात का समय नहीं मिल पाया आपको। अब उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इन बातों को सार्वजनिक करने के पक्ष में नहीं। आगे आने वाला भविष्य किस तरीके का रहेगा, क्या किसी और पार्टी में जाएंगे या कि क्या रणनीति रहने वाली? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो सारे साथियों से चर्चा करेंगे, और चर्चा के बाद आगे का जो रणनीति है, रुख है, रूपरेखा है, वो अख्तियार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये थे अशोक तंवर, जिन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत की। कैमरामैन ललित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।